मैंने बस एक सीटी बनाया हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अरे उसका सीन पूछ क्या देखो चल रहा है? ये तो इधर कल है रात का क्या। सीन चल रहा है। अरे कोई नहीं, चुप हो ए जाओ, मैं नीचे, दिखा देता हूँ आज ए पूरे दिन बतलू क्या 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 है। ये रात का ही सीन चल बतलू, रहा है मगर इनसे रिलेटेड नीचे पूरे का नीचे पूरा दिन नीचे और पूरा पूरा नीचे, व्लॉग बना हुआ है। ऊपर नहीं सो ऊपर नहीं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आज का व्लॉग क्या मोटू बना है। शांत है, बाय द वे, पहले बता देता हूँ कि आज मैं मूवी देखने वाला हूँ। मोटू और कौन सा मूवी, अगर पेट यहाँ तक नहीं देख भरा लिया ना तो गेस आज करो, के लिए, इतना और ही नहीं गेस कर अब पाए नहीं तो है, कम कुछ भी बता नहीं दो है। कि गेस नहीं कर पाया। अगर गेस अब कर लिया बतलू तो मूवी का नाम लिख के बता दो। बतलू चलो, जो जो लोगों जा ने कल नीचे का जा व्लॉग नीचे देखा जा है नीचे जा उनको पता नीचे है जा कि कौन सा मूवी नीचे जा। देखने वाला हूँ। तो फाइनली आज मैं देखने गया था 777 चार्ली। शायद ही मैंने कोई मूवी के लिए इतना रोया होगा, मतलब आँखों से पानी रुक ही नहीं आता। कुछ कुछ बाद ही इतने इतने सीन था, मतलब बहुत इमोशनल था और मैं करीब 20 बार रोया। पता नहीं क्यों आँखों से पानी आ ही जाता आ जाता। सो आज कृष्ण कल्याणी जाना था मूवी देखने, मैं कल्याणी में देखा 6:30 बजे है टाइमिंग, तो सारे दोस्तों ने बोला कि यही चलते हैं। रानाघाट सुरेंद्र में देख के आया, और पूरे पहले से सुरेंद्र चेंज हो चुका है। पहले तो जो सुरेंद्र हुआ करता था बहुत घटिया हॉल ये वो, अभी देखो पर्दा वर्दा नया लगाया है, पैसे लूट रहा है छाप रहा है बनाए गए, मगर बैठने का जगह बहुत गंदा था। सो दिस इज़ मैत्री एक्सप्रेस जो कि ना बांग्लादेश और इंडिया को जोड़ता है, बस इसी ट्रेन की वजह से। लाइक इस ट्रेन से लोग आते जाते पासपोर्ट शो करते बस इसी ट्रेन में होता है। मूवी देख के आने के बाद क्या ही सोया एकदम, अभी उठाऊँ और मैं ना मुँह पे कैसे ऑयली ऑयली सा हो रखा है, पता नहीं क्यों मैं इतना साउंड वाउंड लगाता हूँ फिर भी ऐसा हो रखा है। और बाय द वे अभी 6:10 हो चुके हैं टाइम, और बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, देखा बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, पता नहीं कब तक खेलेंगे। और आसमान में बिल्कुल बादल छा रखा है, और साथ में अभी क्या रखा है कि देखो गीला है, तो इसलिए मैं नहीं गया क्योंकि पैर ना दब रहे हैं और गिर जाऊँगा मैं कभी भी, तो इसलिए सोचा कि इससे बढ़िया कि घर में सोते रहो। और आया थोड़ी इतनी मस्त हवा चल रही है, देख सकते हो पत्ते हिल रहे हैं, और इतने मस्त हवा में मैं सो गया। और अभी उठा हूँ, थोड़ा बहुत चाय वाय पीऊँगा, पी के बहुत दिन हो गया, बुक का खोला नहीं है कुछ भी, बुक खोल के देखता हूँ कि कैसा आया बुक के अंदर लिखा हुआ कुछ। शाम के चाय भी आ चुकी है मगर साथ में बारिश भी आ चुकी है। अभी बच्चे खेल रहे थे और कितना घना बादल आके बिल्कुल खेलने वेलने तो छोड़ो, अब ऐसा हो रहा है कि बारिश कभी भी आ सकती है, बहुत तगड़ी वाली बारिश आने वाली है। और लाइट कब तक आएगी ये भी नहीं पता, और लाइटनिंग देख सकते हो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग भी हो रही है साथ साथ, तो अभी लाइट का तो कुछ पता है नहीं आता पता, मगर देखने में बहुत सुनहरा लग रहा है वो। देखो देखा कैप्चर हुआ कुछ, यही चीज़ की बात कर रहा था, लाइटिंग बहुत तेज़ हो रही है और लाइट भी चली गई, घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है और बाहर ऐसे मौसम हो रखा है। फाइनली 100 ओवर लाइट जाके फिर आके फिर जाके फिर आके, अभी जो टाइम हो रही है 10:18, जो कि ना मेरे पीछे बहुत दूर घड़ी है इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि अभी फाइनली लाइट आई है, और कब तक के लिए ये लाइट रहेगी ये नहीं पता मेरे को, तो मेरे को कल वाला वीडियो भी एडिट करना है, आज का वीडियो का भी शूट करना है, बहुत तकलीफ़ है भाई, तो बहुत तकलीफ़ है। आज जो मूवी देखने गया था सच्ची बता रहा हूँ, मतलब मैं उस टाइम रिएक्शन जो दिया तो आपने देखा, और अभी भी बोल रहा हूँ कि वो लाइक मूवी ना मेरे दिल से जा नहीं रही है। कुछ कुछ मूवी होती है ना जो दिल को छू जाती है, वैसे टाइप की मूवी है। अगर मेरे को अगर बोलते ना कि नॉमिनेट करो कि ऑस्कर के लिए, मैं ये वाला मूवी नॉमिनेट कर देता, इतना मस्त लगा मेरे को 777 चार्ली। अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ जाके देखो हॉल में या फिर फ़ोन में डाउनलोड करके। बाय द वे आप इसके बाद ना सारे डॉग से आपको प्यार हो जाएगा, इतना डेप्थ है इस कहानी में, इतना डेप्थ है। लाइक मैं तो सच में बहुत रोया, मेरे दोस्त लोग मेरे को बोल रहे थे अबे मत रो, मेरे दोस्त लोग मेरे आंसू पोंछ रहे थे, इतना रोया मैं। और वो बोलते ना कि कुछ टाइम खुशी के आंसू थे कुछ टाइम गम के आंसू थे, मगर सच में बहुत सही मूवी है। मतलब इंसान है नहीं उसमें, इंसान का कोई प्यार का सीन नहीं है, सब मतलब A to Z पूरा बेस्ड है उस छोटे से डॉग के ऊपर, उसके बड़े होने के ऊपर, और बाकी नहीं बताऊंगा स्पॉइलर हो जाएगा। अब प्लीज़ जाके देखो या फिर कभी भी डाउनलोड करके देखो यार, बहुत टाइम ख़राब भी करते हो अब, देख लोगे ना। जो लोग डॉग पसंद नहीं है, डॉग लवर नहीं है, उनको भी ये मूवी अच्छी लगेगी, और उसके बाद से
दिमाग चेंज हो जाएगा, लाइक आपका जो सोचने का तरीका है ना कि डॉग के ऊपर, घर आते भगा दो, ये कर दो, वो कर दो, रस्ते में देख जाए पैर मार दो, ये सब चीज़ बंद हो जाएगा आपका। मेरा एक दोस्त है, उसे डॉग पसंद नहीं है, मगर आज वो भी निकल के बोल रहा है कि यार अब से ना डॉग को देखने का नज़रिया चेंज हो गया। मैं उसके बिहाव पे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि कितनी अच्छी मूवी है, लाइक बहुत सही मूवी है, बहुत सही। राम का भाई लक्ष्मण जैसे पीछा कभी नहीं छोड़ते थे, वैसे ही इंसान का सबसे बढ़िया दोस्त डॉगी। ये कभी आप, इंसान धोखा देता है, डॉगी कभी नहीं धोखा देता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी शाम को बता रहा था कि ये होता है, और आज मैं मूवी देख के वो मैं फील कर पा रहा हूँ। बाय द वे व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही छोटा छोटा क्लिप बनाता हूँ आजकल, क्योंकि मेरे को सच में टाइम नहीं मिलता है, तो आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, हो सके तो थम्सअप मतलब लाइक कर दो और शेयर कर दो अगर अच्छा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।